नमस्कार सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वागत है आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो एक नया अपडेट आया है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म आप अपने मोबाइल से फिलअप करते हैं, तो सभी सेविका और आशा बहनों के लिए ये अपडेट बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग इसको ज़रूर अपडेट करें। चलिए, किस प्रकार से अपडेट करना है, क्या क्या फिलअप करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गूगल पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे PMMVY। जैसे ही PMMVY लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे सिंपली हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिए हैं और यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जैसा कि यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है वैसा सेम टू सेम आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल के आ जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ आंगनवाड़ी और आशा वर्कर। तो जब जब आप फॉर्म ओपन करेंगी तब आप लोगों को यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सभी सेविका बहनों और आशा बहनों को यहाँ पे ये जो अपडेट है आधार डिटेल्स भरने का, उसको अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं इसको कैसे अपडेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे टिक आउट कर देनी है, यानी कि ये जो माई आधार का जो एक रूल है, जैसे कि UIDAI के तहत जो आप यहाँ पे अपना आधार डिटेल्स भर रही हैं, तो आप AEPS के माध्यम से भुगतान के लिए सहमति दे रही हैं, यानी प्रमाणीकरण कर रही हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक आउट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिंपली आपको टिक आउट कर देनी है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, जो भी सेविका या आशा वर्कर होंगी उनका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। उसके जस्ट नीचे आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपने ऑफिस में मोबाइल नंबर दिया रहेगा तो वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आप कोई भी चीज़ एडिटिंग नहीं कर सकती हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर और नाम ऑफिस में दिया है वही आपको यहाँ पर अपडेट करके दिया गया है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अब आपको यहाँ पे क्या करनी है कि नेम एज इन आधार, जैसा कि यहाँ पे आपको आधार फिलअप करनी है, तो जैसा कि आपके आधार पे जिस प्रकार से नाम दिया रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम वो नाम फिलअप कर लेते हैं। जो भी सेविका और आशा वर्कर यहाँ पर अपडेट कर रही है वो अपना यहाँ पर नाम फिलअप करेंगी जैसा कि आधार कार्ड पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको अपना आधार पे जो नाम है वो डाल लेना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आधार संख्या पूछ रहा है, तो आपको अपना आधार संख्या यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे आधार संख्या सही सही फिलअप करनी है, आपको भी अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे सही सही फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कहीं पे भी टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार इज ऑथेंटिकेट, यानी कि जो आपका आधार है वो सही है, नाम जो भी है वो सही है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके आधार में। और उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे डेट ऑफ अटैचमेंट। तो जो भी सेविका बहन है वो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाएंगी कि यहाँ पे हम कौन सा डेट भरें, क्या भरें। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो डेट भरना है वो आपका ज्वाइनिंग का जो डेट है, जैसे कि आप जब आंगनबाड़ी केंद्र में ज्वाइनिंग की हैं उसका डेट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपको चयन पत्र पर या सर्टिफिकेट पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग कब हुआ है, तो वो ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे सही सही फिलअप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको कैलेंडर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप ईयर वाले पे क्लिक करेंगे तो जो भी ईयर होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है, किस मंथ में आपका ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं जो यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका का ज्वाइनिंग का डेट है वो यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग का डेट आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है कि जो भी हमने डिटेल्स भरा है वो सही सही है या नहीं। उसके बाद आपको ये सबमिट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं।
तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, यानी कि जो आपका आधार डिटेल्स का फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बार बार फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ से जो भी PMMBY का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करती हैं उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगी और डाटा एंट्री पे क्लिक करके जो भी आप लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं वो आसानी से यहाँ पे फिलअप कर सकती हैं। तो आई होप आज की जो ये अपडेट थी आपको समझ में आ गई है किस प्रकार से आपको अपडेट करनी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी सेविका भवनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।